कोई मुख्यमंत्री यदि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेगा कि किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना है, तो आलाकमान उसकी प्रतिष्ठा का ही ध्यान रखता है। रघुबर जी मुझे मंत्री बनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। झारखंड में मैं अपनी रुचि से नहीं आया था, भाजपा की तरफ से एक संकट की घड़ी में मुझे भेजा गया था। मैं भाजपा से अलग हो गया तो मैंने विचारधारा छोड़ दी, और विचारधारा का आलोचना करूं ये मुझे संभव नहीं होगा, इस बात को मैं खुलेआम स्वीकारता हूं। आज हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड से सरयू राय, जो कि उन्हें झारखंड में यहाँ पर चाणक्य भी कहा जाता है कई सारे मामलों को लेकर के, और इनसे जुड़ी हुई कई सारी ऐसी बातें हैं जो अभी भी अनकही है, अनसुनी है। उन सारी चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल पूरे देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और सभी लोग इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए हैं और लोगों की उम्मीदें जो हैं वो यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन आज हम सरयू राय जी से जानने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है आखिर इस चुनाव से लेकर के। सरयू जी, आपका लाइव इंडिया हर पल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे आपकी उन कहानियों से जो कि जुड़ी हुई हो, चाहे चुनाव से जुड़ी हुई बात करेंगे। तो चुनाव में कहा जाता है कि जब आपको टिकट नहीं मिला था जमशेदपुर की, अगर हम लोग बात करेंगे, जब आप बीजेपी में थे, तो ऐसी कई कहानियां उससे जुड़ी हुई हैं, आपको टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बारे में हमारे दर्शकों को सबसे पहले साझा करिए, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। टिकट नहीं मिलने की आशंका मुझे पहले ही हो गई थी, इसलिए मैं उसमें भाजपा में था, अपने राष्ट्रीय नेताओं के पास गया मैं, भाई अगर आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते हैं तो मुझे पहले बता दीजिए, मैं खुद ही प्रेस के साथियों को बुलाऊंगा और कह दूंगा कि बहुत दिन राजनीति हुई, पार्टी ने मुझे बहुत दिया, पद प्रतिष्ठा भी दिया, मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, संगठन का काम करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप नहीं चुनाव लड़ेंगे तो कैसे होगा। मुझे जैसे समय बीता था एहसास होता गया कि कोई मुख्यमंत्री यदि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेगा कि किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना है, तो आलाकमान उसकी प्रतिष्ठा का ही ध्यान रखता है। तो चुनाव समिति बैठी, उसके एक दिन पहले मैं गया, माननीय राजनाथ सिंह जी आज रक्षा मंत्री हैं, हम लोग के बहुत पुराने संबंध हैं चार दशक के, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके यहाँ ही बताने के लिए आया हूँ कि आप पार्टी मुझे टिकट न दे कोई बात नहीं है, आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं है, बिना मांगे सब कुछ मिला है, मगर केवल इतना ही मांग रहा हूँ कि आप मुझे पहले से बता दीजिए कि इस वर्ष आप चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, चुनाव मत लड़िए, मैं घोषणा कर दूंगा, मेरी भी एक सम्मानजनक आपके यहाँ से विदाई राजनीति से हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में बात रखूँगा। उन्होंने रखा भी, और मैंने उनसे ये भी कहा था कि यदि आप मुझे पहले बता देंगे मैं घोषणा कर दूंगा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मुझे लगा कि आप मुझे अपमानित कर रहे हैं, मेरे साथ छल हो रहा है, पार्टी मुझे धोखा में रख रही है, तो फिर मैं उसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ूंगा चुनाव, उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर लड़ूंगा जिन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की है। राजनाथ जी ने इस बात को रखा पार्लियामेंट्री बोर्ड में, पार्लियामेंट्री बोर्ड में 20-25 लोग रहते हैं, तो यहाँ जो उसमें मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि लड़ने दीजिए, 5,000 वोट मिलेगा, इससे ज़्यादा वोट मिलेगा नहीं उनको, लोगों ने उनकी बात माना मगर मुझे टिकट देने से इनकार नहीं किया, उस दिन मेरा सीट पेंडिंग रह गया। दूसरी मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड की, तीसरी हुई, चौथी हुई, चौथी में भी जब पेंडिंग रह गया तो मुझे लगा कि ये लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन बाद नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि थी, उनको लगा हुआ कि भाई अब एक दिन के बाद नॉमिनेशन ही नहीं करेंगे तो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। तब मैंने प्रेस के साथियों को शाम को बुलाया और कहा कि अब मैं अपनी विधानसभा छोड़कर रघुवर दास जी की विधानसभा सीट वहीं से चुनाव लड़ूंगा, मैंने घोषणा की।
मानो जैसा लगता था कि लोग मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। 15 दिन समय बचा था और 15 दिन के भीतर हम लोग चुनाव लड़े। मेरा कोई खर्च भी नहीं हुआ, लोग अपने ही खड़ा हो गए, सारी व्यवस्था अपने की लोगों ने। मेरा काम यही था कि लोग जहाँ जहाँ कहते थे वहाँ वहाँ मैं जाता था, घूमता था, बोलता था। इस तरह से पहला चुनाव था मेरे जीवन का जिसमें मुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, जनता ने ही चुनाव लड़ा, वोट भी दिया और नोट भी दिया। सर, जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पर बताया कि पार्लियामेंट्री की बैठक हुई थी, कई सारी बातचीत रखी, उस दौरान की अगर बात करेंगे तो आपने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की कोशिश की, सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करने की कोशिश की थी क्या कि मुझे भ्रम की स्थिति में क्यों रखा जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री से मैं बहुत पहले मिला था क्योंकि उनसे पुराने संबंध हैं। जब भी गुजरात में महामंत्री हुआ करते थे, मैं भी बिहार में महामंत्री हुआ करता था, तब के संबंध हैं। और मैं उनसे मिलने गया था 4 अगस्त 2017 को, और मैं मिला, बातचीत हुई। उद्देश्य मैंने बताया कि मेरे यहाँ आने का केवल एक ही है कि मैं जिस मंत्रिपरिषद में मंत्री हूँ मैं मंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि रोज़ मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, अरुचिकर विषय आते हैं, भ्रष्टाचार के विषय आते हैं, विरोध करता हूँ, ये ठीक नहीं लगता है। और मैं आपके यहाँ इसलिए आया हूँ पूछने, मैं इस्तीफा करूँ ये बताने कि रघुवर दास जी मुझे मंत्री नहीं बनाना चाहते थे। जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो आप लोगों ने दबाव डालकर मुझे मंत्री बनवाया। आप कहेंगे कि हम लोगों ने इन्हें मंत्री बनवाया और बिना उन्होंने से पूछे ही त्यागपत्र दे दिए, इसलिए मैं आया हूँ। और मैंने उन्हें बताया कि देखिए, 2013 में निशिकांत दुबे जी का एक दिन मुझे फ़ोन आया कि रघुवर दास जी आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दिल्ली आइए, उनको भी बुला लूँगा, हमारे घर में या हमारे ऑफिस में बात होगी। उनके ऑफिस में बात हुई और रघुवर दास ने कहा कि हम सारे गिलासी को अब भुला कर हम लोग मिलजुल कर काम करें। 2014 में हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया, पार्टी को बहुमत के नज़दीक हम लोगों ने पहुँचाया। अब उसके बाद जिस दिन तय हुआ या तय हो रहा था कि रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जेपी नड्डा उसमें महामंत्री थे, वो बचपन से मैं उनको जानता हूँ, पटना में रहते थे तब से। वो मुझे बिनार होटल में अपने कमरे में बुलाकर उन्होंने ही कहा कि पार्टी ने तय किया है कि रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप अपना दावा छोड़ दीजिए। मैंने कहा जब पार्टी ने तय कर लिया है तो पार्टी उनको बना दे। पार्टी ने उनको बना दिया, मगर जिस दिन शपथ ग्रहण होना था उस रात में 12 बजे मुझे भाजपा कार्यालय बुलाया गया और आधा घंटा इधर उधर की बात करने के बाद बताया गया कि कल शपथ ग्रहण है, 4 मंत्री बनेंगे, उसमें आप मंत्री नहीं बन रहे हैं। तो मैंने कहा कि बनाना नहीं, बनाना मुख्यमंत्री का अधिकार है। नहीं, उन्होंने सोचा कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सोचा कि आपको पहले बता दें कहीं आपको खराब लगेगा, मगर जब विस्तार होगा मंत्रिपरिषद का तो आप जरूर मंत्री बनेंगे। 3-4 लोग ही थे, सौदान सिंह हुआ करते थे जो हमारे प्रभारी, रावत जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुए वो यहाँ के विशेष प्रभारी थे, और रघुवर दास थे, मैं था, एक राजेंद्र सिंह महामंत्री थे। मैंने कहा कि आप विस्तार के बाद भी मुझे मंत्री नहीं बनाइएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। विस्तार हुआ तो रघुवर जी मुझे मंत्री बनाने के लिए तैयार ही नहीं थे, इन लोगों ने बनवाया। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि इसीलिए मैं आपसे बताने आया हूँ, सूचना देने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मंत्रिपरिषद को छोड़ने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए आपको, आप मंत्री बने रहें, मैं अमित भाई से बात करूँगा, वो मामला ठीक करेंगे। अमित सास जी उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं दिल्ली में उनसे मिलने गया, आधे घंटे तक बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं 15, 16 और 17 सितंबर 2018 को मैं आऊँगा रांची, मैं सारी चीज़ों को ठीक करूँगा। आए भी, उन्होंने ठीक भी किया, मगर जैसे किसी जानवर की पूँछ है उसको छोड़िए फिर वैसे ही टेढ़ा हो जाता है।
तो सितंबर की बात थी, दिसंबर के बाद से फिर वही चीज़ें फिर शुरू हो गई। तब मुझे लगा नहीं कि मैं किसी के यहाँ जाऊँ, और मैं पार्टी में, मैं स्वयं राजनीति में कोई प्राथमिकता नहीं थी। मैं तो आरएसएस का काम करता था। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, श्री मोरारजी देसाई उसमें प्रधानमंत्री बने, और चार दलों को मिलाकर जनता पार्टी बनी थी, उसमें एक जनसंघ भी था, तो मुझसे ये कहा गया कि पार्टी तो एक बन गया, मैं इसके युवा मोर्चा दो बन रहे हैं, एक हम लोगों की विचारधारा के, एक समाजवादी विचारधारा के, एक युवा जनता के नाम से बना युवा मोर्चा, जिसमें हम लोगों के साथी हैं शरद यादव जी, अब तो नहीं है इस दुनिया में, वो उसके अध्यक्ष बने, और जो जनसंघ विचारधारा का था उसके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अध्यक्ष बने। तो मुझे कहा गया 1977 के दिसंबर में कि संघ के काम से मुक्त होकर आप युवा मोर्चा के संगठन मंत्री हुई है। तब से मैं युवा मोर्चा के संगठन मंत्री था। 1977 बीतने के बाद कुछ मतभेद हुए, 1980 में मैं जनता पार्टी के प्रदेश का महामंत्री था, चंद्रशेखर अध्यक्ष हुआ करते थे। चार साल के बाद उनसे भी एक आध बिंदुओं पर मतभेद हुआ, मैंने कहा कि मैं अब राजनीति में नहीं काम करूँगा। तो मैं 1984 के जुलाई में, मुझे याद है ओलंपिक के खेल शुरू हो रहे थे, उसी दिन मैं जनता पार्टी के महामंत्री पद से अलग हुआ। फिर पटना में नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आ गए वहाँ से छपने के लिए, मैंने नवभारत टाइम्स के साथ काम करना शुरू किया, फ्रीलांसर के तौर पे काम करता था। मैं 8-9 साल काम किया और पत्रकारिता में ही मुझे बहुत जानकारियाँ भी मिली और उल्लेखनीय कार्य करने का अवसर भी मुझे मिला। उस समय जो मेरी सूचनाएं थीं, उन सूचनाओं के आधार पर ही मैंने 1994 में पशुपालन घोटाला जो बिहार में है उसका मामला उठाया था, जबकि इसका पर्दाफाश 1996 के जनवरी में हुआ। 2 साल तक मैं कहते रहता था कि पत्रकार के नाते मुझे सूचनाएं मिल रही हैं और आंकड़ों के विश्लेषण से लगता है कि पशुपालन विभाग में घोटाला हो रहा है, खजाने से ज़्यादा पैसे निकाले जा रहे हैं। तो उसके बाद मुझे भाजपा में आडवाणी जी, जिस साल में बाबरी मस्जिद टूटी थी, तो उसमें आडवाणी जी की विशाल सभाएं हुआ करती थी। आज के प्रधानमंत्री और लोगों जैसे ढोकर नहीं लाए जाते थे, अपने स्वतः स्फूर्त। वो पटना आए तो मुझे उन्होंने बुलवाया, मुझसे कहा कि पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा कि आडवाणी जी, मैं 1984 से राजनीति से अलग हूँ, तो नहीं, गोविंदाचार्य और हैं सारे तुम्हारे दोस्त हैं, ज्वाइन कर लो। मैंने कहा सोच कर बताऊंगा। उन्होंने कहा कितना समय लोगे? मैंने कहा होली तक, फरवरी का समय था। और होली के बाद मुझसे गोविंदाचार्य जी ने पूछा तो मैंने बता दिया कि चलिए मैं काम करना शुरू करूंगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई घोषणा की ज़रूरत नहीं है। तब से मैं दोबारा 1993 से भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगा। 1998 में पार्टी ने मुझे MLC बनाया, उसके पहले महामंत्री बना, उसके पहले झारखंड का प्रभारी बना 1995-96 के चुनाव में। और मुझे याद है कि जब महामंत्री और झारखंड का प्रभारी था तो 1995 में श्री बाबूलाल मरांडी जी को विश्व हिंदू परिषद से लाकर वनांचल समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। काफ़ी युवा थे, कम उम्र के थे, और उस समय झारखंड क्षेत्र में जिसको हम लोग वनांचल कहते थे, उसमें कड़िया मुंडा थे, ललित उराव थे, गोसनाज बानिए मिले थे, और रांची एक्सप्रेस का पूरा परिवार था, बड़े सीनियर नेता थे। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया एक तरह से, क्योंकि गुलशनराज बानी की जगह जसवंत सिन्हा जी को यहाँ से MLA बनाया गया था। उन्होंने रिजाइन कर दिया हवाला मामले में, तो CP सिंह उपचुनाव में यहाँ से विधायक बने। तो इन सभी ने विद्रोह किया था। 1996 का लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोगों ने एक अलग संगठन बनाया, वनांचल विकास मोर्चा, पार्टी छोड़कर उसके नाते लोग काम करते थे। यहाँ कोई लगता था काम करने वाला नहीं है। और 96 के चुनाव के समय जसवंत सिन्हा का, गोविंदाचार्य का, इन लोगों के पुतले लटकाए गए थे चौक चौराहे पर, और पुतलों में जूतों की माला डाली जाती थी,
उद्घाटन होता था, मैं आया तो कोई काम करने वाला तैयार नहीं था, एक दीपक प्रकाश को छोड़कर, बड़ी कम उम्र के थे, ऑफिस में मैं था, दीपक प्रकाश थे, अपने हम लोग खाना बनाते थे, काम शुरू करते थे। उसमें 96 के चुनाव में काम शुरू हुआ और 96 के चुनाव में पार्टी ने 12-14 में से 12 सीटें जीती, सबके विरोध के बावजूद। उसमें श्री कृष्ण भगवान का रोल करने वाले जो थे वो भी जीते थे जमशेदपुर से। तो इस तरह से मैं यहाँ आया, फिर पार्टी ने मुझे यहीं का काम दे दिया कि आप यहीं रहिए। बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस समय मैं विधान परिषद का सदस्य था, मेरी सदस्यता विधान परिषद ही ख़त्म हो गई थी क्योंकि झारखंड में विधान परिषद नहीं बना था जी। फिर हम लोग आडवाणी जी के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि इसमें एक्ट में सुधार करिए। एक्ट में सुधार हुआ कि ऐसे लोग जो झारखंड क्षेत्र से MLC हैं वे तब तक MLC बिहार में बने रहेंगे जब तक कि उनका टर्म नहीं ख़त्म हो जाता है। फिर 2004 में मेरा टर्म ख़त्म हुआ, 2005 में जमशेदपुर से चुनाव लड़ा, जीत गया। तो संक्षेप में झारखंड में आने की, झारखंड में काम करने की मेरी यही कहानी है। राजनीति में मैं अपनी रुचि से नहीं आया था, संघ की तरफ से भेजा गया था। झारखंड में मैं अपनी रुचि से नहीं आया था, भाजपा की तरफ से एक संकट की घड़ी में मुझे भेजा गया था। ये सारी चीज़ें अखबारों में छपी हुई हैं, सब इतिहास के पन्ने हैं। तो तब से मैंने काम करना शुरू किया तो फिर मैं यहाँ सरकार बनी, अर्जुन बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, तब तक से हम लोग काम करते रहे। अब एक ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई 2019 में कि मुझे भाजपा से अलग होना पड़ा। तब भी मैं हमेशा ही कहता हूँ, आज आपसे भी खुल कर कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के कारण, संघ की विचारधारा के कारण राजनीति में था और आज भी मेरी विचारधारा वही है जो संघ परिवार की विचारधारा है। मैं भाजपा से अलग हो गया तो मैंने विचारधारा छोड़ दी और विचारधारा का आलोचना करूं ये मुझे संभव नहीं होगा। इस बात को मैं खुलेआम स्वीकारता हूं और जब भी किसी से बात होती है तो मैं कहता हूं भैया मेरे विचार तो वही हैं, मैं इनकी पार्टी से अलग हूं। तो बीच में लोगों को लगता है कि साथ में भाजपा में शामिल हो जाऊँ, कयास लगते रहते हैं, मगर अब तो उनके जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, उन्होंने अपने ही कह दिया कि मुझसे कभी किसी ने बातचीत नहीं की है पार्टी में आने की, ये सही है, और मैंने भी किसी से बात नहीं किया है पार्टी में जाने की। तो तब से अब तक का समय कटा है, अब तो लोगों की उम्र हो गई, अब जब तक आदमी सक्रिय है तब तक सक्रिय है। सर एक सबसे बड़ी बात है कि पूरे झारखंड में लोग आपको कई सारे नामों से जानते हैं, चाणक्य के रूप में भी जानते हैं कि अगर घोटाले होते हैं तो ज़रूर सरयू राय जी अपनी बातों को रखते हैं और प्रमुखता से रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो कोई भी घोटाला हो, सरयू राय जी की तरफ से वो उजागर ज़रूर करने का प्रयास रहता है। देखो मुझे आप ही जैसे लोगों से सूचनाएँ मिलती हैं, मैं उन पर काम करता हूँ। और हम लोगों ने अपना सार्वजनिक जीवन में विद्यार्थी परिषद में था तो 1974 में JP आंदोलन हुआ था जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता बदल दी थी। उस आंदोलन से राजनीति में हम आए, सामाजिक काम में आए और उस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के विरोध में था और शिक्षा नीति में परिवर्तन के लिए था। जयप्रकाश जी से काम करते करते हम लोगों ने उनका जीवन चरित्र देखा, उनकी कार्यशैली देखा, तब से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं रहता हूँ। 1977 में जब भारतीय जनता पार्टी तो उसमें नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस समय बिहार में भाजपा से जुड़े मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मैं युवा मोर्चा का संगठन मंत्री रहते हुए पार्टी में उठाया। उसका नतीजा हुआ कि 1979 में मुझे जनता युवा मोर्चा के संगठन मंत्री पद से हटना पड़ा। जब मैं जनता पार्टी का महामंत्री था सबसे पहले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। उसके बाद तपेश्वर सिंह एक हुआ करते थे जिनको सहकारिता किंग, माफिया भी कुछ कहते थे, उनके प्रशंसक उनको कोऑपरेटिव किंग कहते थे और उन्होंने कोऑपरेटिव को बहुत बढ़ाया था। विश्वमान एक संगठन आज भी बिहार में है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ये सब काम करते थे।
तो मेरी छोटी सी बात पर उनसे ठन गई, क्योंकि उस समय भोजपुर रोहतास जिले के खेतों में रबी की फसल के समय जो खाद डाले गए थे, जिस खेत में वो खाद पड़ी खेत की फसल जल गई। मैं तो बहुत कम उम्र का था उस समय, मैंने 1982 में मामला उठाया, लोगों ने चुनौती दे दी कि आपको जो करना हो कर लीजिए। मैं चाहता था कि किसानों को मुआवजा मिले। मैंने तो 5 साल काम किया एक मुद्दे पर, और बाद में किसानों को मुआवजा भी मिला। बिस्कोमान, कॉपर्टी बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक सब सुपरसीड हुए, अवक्रमण हुआ उनका। और आज केंद्र में आरके सिंह जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, वे उनको बिस्कोमान का प्रशासक बनाकर भेजा गया था, मुझसे उन्होंने कागजात लिए, मुकदमे हुए, लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई। तो पहला तो मेरा यही मुद्दा था। उसके बाद तो हम लोगों के मित्र थे लालू प्रसाद जी, अभी भी मित्र हैं, उनके साथ मामले हुए, मधु कोड़ा जी का मामला हुआ। तो कई मुद्दे आते हैं, रिसर्च करके सिंपली हम लोग उठाते हैं। मैं जिस सरकार में था उस सरकार में भी कई मुद्दे मैंने उठाया था। आज भी जो कुछ भी मिलता है, सूचनाएँ मिलती हैं, उसको उजागर करना, उस पर कार्रवाई हो। और मेरा यही मानना है भ्रष्टाचार के बारे में कि भ्रष्टाचार कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसको बड़ी शौक से कर रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी जिम्मेदारी के पद पर है और वह काम करता है, तो काम करते समय उसे गलतियां हो सकती हैं। अगर उसकी गलतियों के बारे में उसको सूचित कर दिया गया, वह अपनी गलती सुधार कर लेता है, तो भ्रष्टाचार की भ्रूण हत्या हो जाती है। मगर सूचना देने के बाद भी वह अपनी ही धुन में रमा रहता है, तब भ्रष्टाचार होता है, वही गलती होती है। किसी से एक बार की गई गलती भ्रष्टाचार नहीं होती है। और इसी हिसाब से मुझे सूचनाएं मिलती हैं, लोगों से सलाह लेता हूं। सबसे अधिक मुझे सूचनाएं तो पत्रकार जगत से ही मिलती हैं, उनके पास दुनिया भर की सूचनाएँ रहती हैं। ऐसे मामले एक दो बार उठा देता हूँ। झारखंड में 1995-96 में लोकसभा के चुनाव में पहली बार 14 में 12 सीटें मिल गईं, लोगों ने कहा कि मेरे कारण से ऐसा हुआ, पार्टी में फूट पड़ गई थी। इसके बाद भी कार्यकर्ताओं को मैंने पूरे प्रदेश में इकट्ठा किया। बाबूलाल मंडाणी जी की सरकार बनी, उनकी सरकार गई, मुंडा जी की सरकार बनी, उनकी सरकार गई, इन सरकारों के भी आने जाने में लोगों ने मेरी भूमिका तलाशा। तो इस तरह से लोग कई कई बातें कहते रहते हैं, मगर जो बातें कहते हैं उसमें ऐसा नहीं कि कोई सत्य नहीं रहता है, तथ्य तो रहता ही है। ये थे हमारे साथ सरयू राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपने उस राजनीतिक कहानी के बारे में भी जिक्र किया जो इनकी शुरुआत थी। पत्रकार रहते हुए भी उन्होंने कई सारी चीज़ों को यहाँ पर सामने लाने का काम किया था। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही, सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया रांची।